नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का और मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। पाटीदार आरक्षण के मुद्दे पर हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि आरक्षण के नाम पर कांग्रेस जनता को मूर्ख बना रही है। कौन सच बोल रहा है, कौन किसे मूर्ख बना रहा है और क्या वाकई पाटीदारों को आरक्षण दिया जा सकता है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गुजरात में चुनाव प्रचार अब चाय वाला बनाम बार वाला हो गया है। क्या गुजरात में पाटीदारों को संवैधानिक तरीके से आरक्षण दिया जा सकता है? हार्दिक पटेल और कांग्रेस की तरफ से पाटीदारों को आरक्षण देने की जो डील सामने आई है, क्या वो एक छलावा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने हार्दिक पटेल के पाटीदारों के आरक्षण वाले वायदे पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुजरात में संवैधानिक दायरे में रहते हुए पाटीदारों को आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आने के बाद से खामोशी साधे बैठे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आखिरकार अपनी चुप्पी आज तोड़ दी। अहमदाबाद में हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पाटीदारों को संवैधानिक दायरे में आरक्षण देने का कांग्रेस ने वादा किया और संवैधानिक दायरे में ये संभव भी है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर पटेल समुदाय और बिन आरक्षित वर्ग के लिए एसटी एससी ओबीसी समुदाय को मिली हुई 49% आरक्षण में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उस आधार पर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो असेंबली के अंदर जल्द से जल्द आर्टिकल 31C के आधार पर, संवैधानिक आर्टिकल 46 के प्रावधानों के आधार पर वो बिल विधानसभा में रजू करेगा, पारित करेंगे। इस बिल में आर्टिकल 46 का उल्लेख किया जाएगा और उसको 15(4) और 16(4) के नीचे जो भी ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो लाभ इन बिन आरक्षित जातियों को दिया जाएगा। कि जो मंडल कमीशन की जो सूची थी उस सूची के पैरामीटर्स के आधार पर गुजरात के बिन आरक्षित वर्ग के लिए स्पेसिफिक सर्वे होगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि पाटीदार समाज दुखी है, गरीब है, सरकार बोल रही है कि नहीं नहीं पाटीदार समाज बहुत समृद्ध है, तो उस आधार पर अगर सर्वे होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी पाटीदारों को संवैधानिक दायरे में आरक्षण दिए जाने की बात दोहरा दी गई। देखिए, हमारी बातचीत हुई थी, मैं अहमदाबाद गया था और वहां 2-4 घंटे हमारी बातचीत, उन्होंने अपने जो सुझाव थे वो हमारे सामने रखे, जो उनकी उनकी मन की मंशा थी वो हमारे सामने रखी। हमने प्रयास किया है कि संवैधानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए और उन्होंने कहा था कि हम कुछ दिनों के बाद आपको बताएंगे। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि हार्दिक पटेल ने इसको स्वीकार किया है और कांग्रेस के साथ एकजुट होकर इस चुनाव में हम उतरे हैं। जिस प्रकार का व्यवहार किया गया बीजेपी सरकार ने उनके साथ में, उनके 13 लोग मारे गए थे वहां पर, वो दर्द आज भी कोई भुला नहीं पूरा गुजरात के अंदर, और लगातार जो अपेक्षा की जा रही थी, तो मैं समझता हूं कि हार्दिक पटेल में एक नौजवान है, उनका जो निर्णय है उनको मैं समझता हूं कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। गुजरात के चुनावी रण में जैसे ही कांग्रेस और हार्दिक एक साथ आए तो बीजेपी ने दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाटीदारों को आरक्षण का लॉलीपॉप दे रही है जो कि महज एक झांसा है। जो नहीं गमे उन्हें कहता दुख थे मूर्खाओ दरखास्त आपी और मूर्खाओ स्वीकारी है। मूर्खा अंदर अंदर भले रमत रमे पर समाज के गुजरात ए रमत में जोड़वानू नहीं और मूर्खाओ की रमत आखी गुजरात की प्रजा ए अत्यारे जोई रही है।
पाटीदार आरक्षण को लेकर बीजेपी ने हार्दिक और कांग्रेस के फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण की राह क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जबकि गुजरात में पहले से ही 49.5% आरक्षण लागू है। कांग्रेस 49.5% आरक्षण को छेड़े बिना पाटीदारों को आरक्षण देने की हिमायत दी। पाटीदारों को आरक्षण देने के लिए पहले कांग्रेस को गुजरात विधानसभा चुनाव जीतना होगा। इसके बाद आरक्षण देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा। कांग्रेस को यह प्रस्ताव संसद में लाना होगा, लेकिन लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है। मुमकिन है कि ये प्रस्ताव अटक जाए। अप्रैल 2016 में गुजरात सरकार ने पाटीदार और अन्य जातियों को 10% आरक्षण दिया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। ऐसे में कांग्रेस पाटीदार आरक्षण को लेकर जो वायदा हार्दिक पटेल से कर रही है, उसकी राह आसान नहीं है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज।